हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पता करें व्हाट्सएप हैक है या नहीं। हर कोई अपने दोस्त या किसी और का व्हाट्सएप हैक करने में लगा हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप में यूजर्स की पर्सनल चैट होती है जिसे यूजर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए हैकर सबसे ज्यादा व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे काफी आसानी से किसी का भी मोबाइल लेकर उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया जा सकता है। अगर आप व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। आज हम आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। आपको बता दें कि एक व्हाट्सएप नंबर को दो अलग डिवाइस में नहीं चला जा सकता। व्हाट्सएप वेब पर व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होना जरूरी है। व्हाट्सएप वेब के QR कोड को व्हाट्सएप से स्कैन करने के बाद आपका व्हाट्सएप वेब एक्टिव हो पाता है। ज्यादातर हैकर किसी बहाने आपका मोबाइल लेकर उसे व्हाट्सएप वेब के QR कोड से स्कैन करके आपका व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लेते हैं। वह इतनी सफाई से करते हैं कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट हैक है या नहीं है। अगर आपका अकाउंट हैक हो चुका है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने हैक अकाउंट को वापस रिकवर भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे रिकवर कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, और रेड कलर के जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो घंटी का आइकन है इस पर प्रेस करके इसको ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप वेब ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो व्हाट्सएप वेब है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लास्ट एक्टिव, तो आप समझ जाइए कि आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। टैप करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट किस ब्राउजर में एक्टिव है। अगर किसी हैकर ने आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया हुआ है तो हैकर के ब्राउजर की डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक नहीं है तो यहाँ आपको किसी ब्राउजर की डिटेल नहीं मिलेगी, इसका मतलब आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ है। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे कि यहाँ पर लास्ट एक्टिव, तो आप समझ जाइए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। अगर आप अपने अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आप देख सकते हैं अब आपका अकाउंट सेफ हो गया है, अब आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक है या नहीं है। फिर से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और फिर से मैं व्हाट्सएप वेब में जाता हूँ, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस नजर आएगा अगर आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि व्हाट्सएप अकाउंट आपका हैक है या नहीं। अगर आप अपने अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट पर लॉक लगाकर रखना चाहिए, जिससे कि इस ऐप को आपके अलावा कोई भी एक्सेस ना कर पाए। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार भी अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित रख पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।